ये देखिए सामने पेट्रोनास टॉवर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, पीछे ग्लास का है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ पेट्रोनास टॉवर के ऑब्जर्वेशन डेक को केएल टॉवर के ऑब्जर्वेशन डेक से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कवर करेंगे केएल टॉवर को। अभी हम लोग हैं केएल टॉवर के फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये गार्डन टाइप बनाया है खेलने के लिए, तो ये फर्स्ट फ्लोर है। केएल टॉवर में टोटल दो ऑब्जर्वेशन डेक है। सबसे पहले हम जाएंगे ओपन स्काई डेक ऑब्जर्वेशन में। फाइनली आ गए हम लोग स्काई डेक पे, जो केएल टॉवर का स्काई डेक है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। ये जो आप टॉवर देख रहे हो ना, ये है 800 मीटर। ये वर्ल्ड का सेकंड और मलेशिया का नंबर वन टॉलेस्ट है। और ये जो केएल टॉवर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वो सिर्फ 421 मीटर है। तो मतलब वो ऑलमोस्ट वो टॉवर उससे डबल है। तो अभी तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि फंक्शनल नहीं है, तो फ्यूचर में अगर चालू हो जाएगा तो मैं भी शायद जाऊंगा। अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे पक्का जाना। हम लोग लाइन में खड़े हैं ये वाले स्काई डेक की, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो वो एट अ टाइम सिर्फ दो तीन जन को छोड़ते हैं, और आपको अपना शू निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे ग्लास है। देखिए स्काई डेक का एक्सपीरियंस, नीचे ग्लास का है। And yeah, don't forget to take photos at Skydeck. Skydeck का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन टाइम बहुत कम देते हैं, सिर्फ 1 मिनट एंड 40 सेकेंड। ये मेन है पेट्रोनास टॉवर के सामने, जो ये वाला Skydeck है ना, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये पेट्रोनास टॉवर को कवर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लाइन बहुत बड़ी है। हम लोग वापस आएंगे। ओ माय गॉड, आपको क्यू दिखा देता हूँ। सिर्फ जो वो Skydeck बना हुआ है ना, वहाँ पे फोटो निकालने की क्यू है। Right now I am at KL Tower and I meet these small kids, and these small kids are very much interested about the YouTubers. So I thought I will just take them in a video. Okay, just say hi. Hi. These all are locals, Malaysian. Okay, yeah. They are really great people. I like them. I have a lot of Malaysian friends back in Singapore. Okay, so this video will come soon. Just check out you yourself. Right. देखिए सामने पेट्रोनास टॉवर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए पेट्रोनास ट्विन टॉवर, और थोड़ा जूम हो सकता है क्या? हाँ, ये सनसेट होने के बाद केएल सिटी जब लाइट अप होता है तो काफी ब्यूटीफुल दिखता है, स्पेशली पेट्रोनास टॉवर। जैसे पहले मैंने आपको बताया, केएल टॉवर में टोटल दो ऑब्जर्वेशन डेक्स है। ये वाला जो है ये क्लोज ऑब्जर्वेशन डेक है। इसकी टिकट प्राइस है अराउंड मलेशियन 50 रिंगिट। पर्सनली मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है, तो इसका व्यूविंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। और जो केएल टॉवर है, रात को लाइट अप होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉवर पे, जिसका नाम है द फेमस ट्विन टॉवर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केएलसीसी पार्क। ये केएलसीसी पार्क है, मेरे पीछे आप देखते रहोगे, यहाँ पे सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और मेरे ऊपर है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पे पेट्रोनास टॉवर है। तो ये उसका बैक साइड है, आप बोल सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं उसके मेन में, जहाँ से हमको पूरा दिखेगा। यहाँ सामने केएलसीसी टॉवर, और ये रहा पेट्रोनास, ये रहा पेट्रोनास। तो हम लोग गए थे कल केएलसीसी टॉवर में। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। हाँ, ये रहा, और जूम हो सकता है क्या? हाँ, ये रहा, दिखा देता हूँ पीछे। ये रहा पेट्रोनास, दिखता रहेगा, शायद दिखेगा, ठीक है। तो इसके भी आप ऊपर जा सकते हो। इसकी कॉस्ट है 80 रिंगिट। आपको ऑनलाइन में 10-15% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है। एक तो आप उसके अंदर हो तो उसको नहीं देख सकते हो, और सेकेंडली उसके अंदर रह के मतलब आप पेट्रोनास को नहीं देख सकते हो। सेकेंडली ये पूरा ग्लास डोर का है, इनसाइड का है, तो आपको बाहर का जो फील होता है ना, हवा वगैरह जैसे होता है, ब्रीज इतनी फास्ट जाती है, वो मज़ा नहीं है। क्या आप यहाँ पे पेट्रोनास टॉवर पे 10 रिंगिट दे के 3 फोटोज़ निकाल सकते हो? उनको पोजेस बता रहा है, उनके पास मोबाइल ही है लेकिन उनके पास लेंसेज थोड़े डिफरेंट है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी फोटोग्राफी आती है तो आप खुद भी कुछ इस तरह से पिक्चर्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 10 रिंगिट पे करके यहां से 3 पिक्चर्स ले लीजिए।
सॉरी फॉर पुअर क्वालिटी, ये वीडियो मैंने ओल्ड फोन से शूट किया था तो इसलिए क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है। वेलकम टू द स्काई ब्रिज, यू आर नाउ एट द लेवल 41। पेट्रोनास टावर्स में मेनली गाइडेड टूर होते हैं जिसमें वो लोग पहले हमको स्काई ब्रिज जो लेवल 41 पर है वहाँ पे लेके जाते हैं एंड उसके बाद जो लेवल 86 पे क्लोज ऑब्जर्वेशन डेक है वहाँ पर। ये जो आप टिप देख रहे हो वैसी सेम टिप लगी हुई है पेट्रोनास टावर के ऊपर। अब हम लोग आ चुके हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन डेक पर जो है 86 फ्लोर पर। यहाँ से आप क्लियरली केएल टावर एंड मलडेका टावर देख सकते हो। अगर मैं पेट्रोनास टावर और जो केएल टावर है उनके ऑब्जर्वेशन डेक को कंपेयर करूँ तो मुझे केएल टावर का व्यूइंग डेक एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर लगा क्योंकि उसका जो डेक है ऑब्जर्वेशन डेक वो ओपन है तो उसके वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी अब बज गए हैं रात के 7:30 और ये जुगनू पेट्रोनास टावर पूरी तरह लाइट अप हो गया है, पूरी तरह चमक रहा है। आप मेरे पीछे देखते रहोगे, ये रहा पूरा, मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा, ये पेट्रोनास टावर तो मिस मत करना, सामने से बहुत ही ब्यूटीफुल और मेमोराइजिंग लगता है। आप इसको बैठ के सिर्फ देखते रहोगे, इतना ब्यूटीफुल है, स्पेशली लाइट अप होने के बाद ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो करीबन 6 बजे आइए और 7:30 तक रुकिए, 1.5 घंटा 1.5 आवर यहाँ पे बैठ के इंजॉय कीजिए, फोटोज निकालिए, वीडियोज निकालिए और ये टावर का व्यू भी इंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, होप ये डिटेल्स आपको हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में। थैंक यू वेरी मच।